समय था जब ग्वालियर से लेकर सोपोर तक नैरो गेज के नाम से ट्रेन चलती थी और उस समय इस काफी लोगों को उससे आवागमन भी रहता था और लोग काफी सोपोर तक के लोग जुड़े थे, कई गांव थे। आज हम सुमावली रेलवे स्टेशन के पास खड़े हुए हैं। मैं पहले तो आपको दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल पूरी ट्रेन की जो पटरियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और आज कहीं ना कहीं जो ट्रायल है वो एक बार हो चुकी है। आज फिर बता रहे हैं कि एक ट्रेन की ट्रायल होगी और उसके बाद ग्वालियर से सुमावली तक ट्रेन चालू कराई जाएगी। कुछ गांव के लोग हैं, कुछ व्यापारी भी हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे कि चूंकि जब सुमावली से ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी, पहले जो ट्रेन चलती थी उससे क्या फायदे और नुकसान थे और आज जब ये ब्रॉडगेज के नाम से ट्रेन चालू होगी तो उसकी क्या स्थिति। दादा आप व्यापार करते हैं, यहाँ काफी पुराना व्यापार बताया जा रहा है आपका, तो उस समय जब ट्रेन चलती थी क्या फायदे थे, बीच में क्या स्थिति रही थी? स्थिति तो ठीक है, जैसे बड़ी लाइन होगी तो उससे फायदा होगा और चूंकि ये है कि थोड़ा स्टेशन दूर होने से भी थोड़ा ना नुकसान है, लेकिन वो गांव के अंतर्गत में 10 साल में पीरियड में 5 साल में आ जाएगा और उसके बाद में एक लाइन यहाँ पे दे दी जाएगी, गोदाम बनाया जाएगा, उससे माल ट्रैफिक होता रहेगा। ये रेलवे को सोचना पड़ेगा, जहाँ भी प्रोडक्शन जिस देंगे हम लोग आपको समझौता के रूप में, उससे विचार करके आप काम कर करिए। अच्छा, ये चल रहा है कि पहले एक बार अभी ट्रायल हो चुकी है, आज की भी ट्रायल है, क्या उम्मीद जग रही है कि कब तक ये चालू हो जाएगी? चालू ये अब जो कर्मचारी जो उसको बेनिफिट बता रहे हैं कि ये एक महीने में या 15 दिन में या जो सुमावली तक या जोरा तक जैसे करना है, तो ये तो आप लोगों के ऊपर निर्भर है कि भाई कितनी समीक्षा में आप करेंगे, लेकिन उसको भले ही एक दिन लेट कर लेकिन सुचारू रूप से पूरा हो जाए और जोरा तक चलेगी बढ़िया रहेगा, फिर जुड़ जाएगी ब्रॉड गेज वहाँ तक, तो आपको पूरा ये लेगा कि यहाँ सुमावली में यातायात बना रहेगा और स्टेशन भी ठीक बना है, लेकिन समुचित अवस्था में बहुत ध्यान नहीं दिया, इसी स्टेशन को इस तरह की इस तरफ होना था। अच्छा दादा, एक चीज़ है, आपका उस समय जब छोटी ट्रेन से चलती थी पेड़ों का व्यापार था, क्या इतिहास है सुमावली के पेड़ों का व्यापार? पेड़ों का इतिहास तो जैसा सब सुनो कि सुमावली में जो पेड़ बेचते थे वो मशहूर पेड़ थे और आज भी हैं वर्तमान की स्थिति में, चूँकि ये है कि आजकल वो चीनी नहीं आ रही जो पशुओं को नहीं खिलाई जा रही, इसलिए उससे भी फर्क पड़ रहा है। जैसे अपन अनाज खा रहे हैं उस समय का अनाज नहीं है, पहले अपन लोग रहते थे 8 रोटी बाजरा ही खा के काम पे जाते थे, अब लोग चाय पी रहे हैं आधा बिस्कुट खा रहे चले जाते। ट्रेन चूँकि नैरो गेज से ब्रॉड गेज पर परिवर्तन हो गया तो कहीं व्यापार की ओर बढ़त तो रहेगी? हाँ बढ़त रहेगी ना, व्यापार की ओर बढ़त क्यों नहीं रहेगी, ये यहाँ से माल डूबेगा वहाँ से आएगा, यातायात बनेगा, बाहर से भी माल सस्ता आएगा क्योंकि ट्रकों से माल थोड़ी आ पाता है, इससे आने से लाभ रहेगा ट्रेन। दादा क्या लाभ रहेंगे क्योंकि नैरो गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तन होगी, कितनी लंबी दूरी रहेगी? पहले चूंकि बता रहे हैं कि ट्रायल हो चुका है और सुमावली से ही चालू की जाएगी, क्या लग रहा है? देखो अनुमान यह है कि इतना फास्ट काम हुआ है आज तक हमने कहीं नहीं देखा है, कोई उम्मीद नहीं जनता को कि इतना जल्दी काम हो जाएगा। लोग बात कह रहे थे 2-4 साल लग जाएंगे, वो खुद गई होगा और जब से ये खत्म हुई है बहुत परेशान आदमी हुई है, जब ये चलने लगेगी ग्वालियर से जोरा तक चलेगी या सुपर चलेगी बहुत लाभ होगा, यातायात में व्यापार बढ़ेगा और आदमी को जो 4-5 घंटा में अपन ग्वालियर 3 घंटा में पार करते थे अब 8 घंटा में सुमावली आ जाएंगे, टाइम की बचत भी होगी और व्यापार के लिए भी बहुत लाभ होगा, किसानों की बहुत लाभ होगा। बहुत अच्छा, कितने अगर देखा जाए तो ये स्टेशन आपका जो सुमावली वाला है कितने गांव को जोड़ता है? ये कम से कम 50-60 गांव जोड़ता है, 20 पंचायत जुड़ी हुई है हमारी से, हमारे जो जोरा पड़ने की 20 पंचायत है हमारी लोकल की, 20 पंचायत है, 50-60 गांव जुड़े हैं और जो जोरा तक जाते हैं शादी के लिए जाते हैं अब उनको जाना पड़ता है, मुरैना जाएंगे कहाँ जाएंगे तब जोरा पहुँचेंगे और गाड़ी चालू हो जाएगी 1 घंटा जोरा पहुँच जाएगा। दादा अधिकारी और कर्मचारियों की बात की जाए तो जो लोग ग्वालियर से आते हैं उनको भी काफी परेशानी, आप लोगों को भी क्या परेशानी रही? हमेशा आने जाने में परेशानी है, ग्वालियर जाएं 200 रुपये पेट्रोल लगती है, वैसे तो जाएंगे 15 रुपये में पहुँचेंगे, जोरा जाएं ग्वालियर जाएं बहुत लाभ है, सब ऐसा थोड़ी एक लाभ नहीं बहुत लाभ। अच्छा व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो जैसे वो बता रहे हैं कि अब ट्रेन चालू हो जाएगी तो क्या सुमावली क्षेत्र के लोगों को व्यापार में भी कुछ फायदे मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे ना सर, यहाँ के जो लोकल आदमी है ये रिक्शा चलाएंगे या कुछ भी टेम्पू चलाएंगे उनको रोजगार मिलेगा, तो बहुत कोई रोजगार की सुविधा है, ऐसा नहीं है, अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात। अच्छा और भी लोग हैं दादा, क्या फायदे मिलेंगे इससे पूरी जो ट्रेन चलेगी, जब उस समय छोटी ट्रेन चलाई जाती थी तो आप लोग उस समय से भी जुड़े थे, कहाँ से कहाँ तक अभी ये ट्रेन चालू कराई जा रही है? ग्वालियर से कोटा लाइन जुड़ने से सुमावली का बहुत बड़ा विकास होगा, रोजगार भी मिलेगा और व्यापार भी बढ़ेगा, आवागमन के साधन के लिए ग्वालियर इस समय बहुत परेशान है, लोग बाग सड़क मार्ग से कोई आवागमन का साधन नहीं है, केवल एकमात्र जो पहले नैरो गेज ट्रेन थी अब ब्रॉड गेज है, ये चालू होने से इस क्षेत्र की 60 गांव के लोग आवागमन बढ़ेगा, यहाँ से लोग बीमारी इलाज के लिए ग्वालियर जाते हैं, आवागमन
बढ़ेगा। दादा कैसे देखते हैं अगर ये आपकी नैरो गेज है थी पहले या ब्रॉड गेज में परिवर्तन हो गई है, कैसे देखते हैं इस पूरे परिवर्तन को? परिवर्तन तो ठीक ठाक है, लेकिन बिना ट्रेन की समस्याएं बहुत है। अगर यहाँ पर ट्रेन होती तो इतनी समस्याएं नहीं आती, आने जाने के लिए बहुत परेशानी है। अब जैसे वो बता रहे हैं कि जल्दी ट्रेन चालू हो जाएगी, तो उससे क्या फायदे रहेंगे आप लोग? जल्दी ट्रेन चालू हो जाएगी तो फायदे ही फायदे हैं, आना जाना रहेगा, ग्वालियर के लिए सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बच्चों को जैसे जो कॉलेज या अन्य जगह जो बच्चे भी जाते हैं, व्यापारिक दृष्टि से भी देखा जाए, कर्मचारियों की भी बात की जाए, तो क्या बेनिफिट रहेंगे? आज के युग में दुनिया भागम भाग की है, यातायात का प्रमुख महत्व है, तो सबसे पहले तो ये नैरो गेज यहाँ की जीवन रेखा कही जाती थी, उसके बंद होने से लोगों में काफ़ी उत्साह में कमी आई और उनको अपनी जो मजबूर हैं बेचारे, खुद के संसाधन नहीं है जिन पर, वो मजबूरी बस उल्टा सीधा पैसा खर्च करके जाना तो है ही, जहाँ काम है आवश्यक काम में जाना पड़ेगा। अब क्या फायदे रहेंगे? अब ब्रॉड गेज चालू होने से यातायात भाई लोगों के आवागमन में सुविधा होगी, आदमी को जो अपना सामान वामान व्यापारी वर्ग जो सामान खरीद के लाता था, ट्रांसपोर्टिंग होगी, सब काम होंगे, व्यापार मतलब यहाँ आवागमन का भी, यहाँ से जो ई रिक्शा वगैरह चलेंगे तो पैसेंजर को आने जाने में। अच्छा, एक ट्रायल ग्वालियर से सुमावली तक की हो चुकी है, आज की भी बात कर रहे हैं, तो क्या ट्रायल होने पर जल्दी किस तरीके की खुशी है लोगों में? नहीं, ट्रायल होने से ये है कि इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि इतना ही जल्दी है, जो ब्रॉडगेज का काम शुरू पे हुआ है, शायद मैंने तो अपने जीवन में 44 साल की उम्र में ऐसे ये प्रोजेक्ट जितना जल्दी स्पीड में काम किया है वो मैंने नहीं देखा, कम से कम मैंने तो नहीं देखा। भारत बड़ा है तो हो सकता है कहीं और दूसरी जगह हुआ वो तो पता नहीं है, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतने लॉकडाउन लगा, नैरो गेज बंद हुई और लॉकडाउन खत्म होते ही अभी आप देख रहे हो, आपके सामने पूरी परिस्थिति, इलेक्ट्रिफिकेशन भी कम्प्लीट हो चुका है और शुरुआत से इलेक्ट्रिफिकेशन है, पहले तो डीजल की जो इंजन चलते थे किसी भी लाइन पर, तो हम तो बिल्कुल खुश हैं। बिल्कुल, और भी लोग हैं। दादा कहाँ तक जाएगी ये ट्रेन, अगर इस ट्रेन की जो बात की जाए, जैसे अभी सुमावली तक चलेगी, लेकिन आगे कहाँ तक है इसका लास्ट? आगे तो कोटा तक है, फिलहाल सोपुर तक जोड़ रहे हैं, जो सोपुर के बाद फिर कोटा के लिए प्रोसेसिंग है इनकी। क्या फायदे मिलेंगे लोगों को, ये आसपास के लोग, मुरैना के लोगों को? मुरैना के लोगों को फायदा यही मिलेगा कि इधर से जो अपने राजस्थान वगैरह से आने जाने का जो साधन है ना, वो जुड़ जाएगा। व्यापार में क्या? हाँ, व्यापार के ही फायदे हैं इसमें, और क्या है, जो कुछ है व्यापार का ही फायदा है। बिल्कुल, ये चूंकि लोग थे जिनसे हमने बात की और उन लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो व्यापारिक दृष्टि से है वो भी फायदे हैं, और ब्रॉड गेज में जो परिवर्तन हुआ है नैरो गेज से, तो उस अब चूंकि इलेक्ट्रिक चलेगी, उस समय चूंकि इंजन की वो रहती थी ट्रेन है तो वो काफ़ी लंबा समय भी लेता था, समय की भी बचत होगी और सब तरह से पूरी जो देखा जाए वो फायदा होगा, और ग्वालियर से लेके सुमावली तक बहुत जल्द इस ट्रेन की चलने की संभावना है, लोगों में के साथ साथ आसपास के जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनमें भी काफ़ी खुशी की लहर है। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।